नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान बचाओ भागीदारी बचाओ महा रैली सभा में शिरकत करने माती ग्राउंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को साधते हुए भाजपा को जमकर घेरा। वही संबोधन के दौरान पूर्व सीएम ने अग्निवीरों के नियमितीकरण, बढ़ते अपराध के साथ कानपुर देहात में हुए चर्चित झोपड़ी कांड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी घेरा है। गुजरात से लेकर के आए हम लोग, यही अमूल का कारखाना केवल एक मील लगा है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों की सरकार में 3 लगाने का फैसला लिया था, 15 लाख लीटर। इसलिए आपसे कह रहे हैं, गुजरात वाले कारखाना तो हम लोग ले आए हैं, जो 14 में आए थे वो 24 में वापिस चले जाएंगे, कहे जाएंगे भेजो उन्हें वापिस। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह संबल पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। वहीं निराश्रित गौवंशों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि साल 2024 तक एक भी गौवंश सड़कों पर नहीं दिखेंगे। इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए सरकार ने 6 विभाग चिन्हित किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चारागाह को मुक्त कराने के लिए SDM और ADM को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 विभागों को जोड़कर इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें 6 विभाग, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास और राजस्व, पुलिस विभाग और पशुधन विभाग। आज इस 6 विभाग से संबंधित बैठक थी। चरागाहों को मुक्त कराना, उन पर चारा बुवाना, मैं ADM और DM ने जो भी यहाँ पर भी मुक्त कराया गया है, चरागाह में चारा भी उगाने का काम किया है। दूसरा प्रयास है, आज कड़ाई भी की गई है, 31 दिसंबर के बाद 2024 में निराश्रित गौवंश। संबल में कार्तिक स्नान को लेकर सिसौना डांडा गंगा घाट पर गंगा मेले का विधि विधान से शुभारंभ किया गया। इस मेले का शुभारंभ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान मंत्री ने मोटर बोट में बैठकर स्नान घाट का निरीक्षण किया है। साथ ही मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेला परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस बार मेले की हर गतिविधि को कैद करने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। अगली खबर बहराइच से है, जहां संविधान दिवस के मौके पर भीम आर्मी ने दलित सम्मान पदयात्रा निकाली है। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इंदिरा स्टेडियम से निकली ये पदयात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए अंबेडकर पार्क में इस रैली का समापन किया गया। अगली खबर बहराइच से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के घर विजिलेंस की टीम पहुंची। बता दें कि उन पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का मामला मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम सक्रिय हुई और टीम ने उनके कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। गंगा तट पर लगे रुहेलखंड के मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध ककोड़ा मेले का शुभारंभ हो गया है। वहीं मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी हो चुका है, जबकि मेले में सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे ADG बरेली जोन PC मीणा और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के साथ तमाम आला अधिकारियों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए लगातार तमाम तरह के संगठन अपनी अपनी मुहिम चलाते रहते हैं। इसी मुहिम के तहत 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय अभियान रेड ब्रिगेड, एमेरन फाउंडेशन और 181 वन स्टाफ के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ है। इस मुहिम के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा मानवाधिकार के तहत अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर एमेरन फाउंडेशन की संस्थापक रेणुका टंडन और रेड ब्रिगेड की संयोजक संस्थापक उषा विश्वकर्मा ने इस अभियान के उद्देश्य पर अपनी राय दी है। कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य? रेणुका टंडन एमेरन फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, उषा विश्वकर्मा रेड ब्रिगेड के साथ हमारा संबंध कई साल से है और हम लोगों का एक ही विजन है कि महिलाओं के लिए समाज को हम हिंसा मुक्त बनाएं और महिलाओं के लिए एक सेफ जगह बनाएं। उसके लिए जो हम लोग एक साथ काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है जहां हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उषा जी ने जो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का शुरू किया है उसमें मेरे को लगता है जितने लोग हाथ पकड़ के इसको आगे लेके चले और महिलाओं के लिए, इनफैक्ट जो इनका सोच है कि महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग एक मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, तो वो बहुत सही चीज़ है। बिकॉज ये कि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, जैसे उनका कहना है कि हर लड़की को अपना सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग जितना भी कोशिश करें वो कम है। बिकॉज इतनी सालों पुरानी मानसिकता है जिसकी वजह से आज भी महिलाओं के पे उत्पीड़न होता है, इमोशनल फिजिकल हर तरह से होता है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमको ये चीज़ें स्कूल से ही शुरू करनी पड़ेंगी। घर से तो शुरू होती वो तो अलग चीज़ है, बट मेन है कि अब हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों को ये अंदर से सिखाना होगा बचपन से ही कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करें, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो फिजिकली के लिए जैसे इनकी ट्रेनिंग है जो आपको एक सेकंड में सिखा दे बता सकती कैसे अपने को आप आत्मशिक्षा दे सकते हो, तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के ज़माने की ज़रूरत है ये। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रेड ब्रिगेड लखनऊ और आज हम लोग यहाँ पे 1090 पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जो उद्देश्य है इकट्ठा होने का, जैसे रेड ब्रिगेड लखनऊ है, एमेरन फाउंडेशन है और 181 स्टॉप सेंटर है और हम तीनों लोग एक साथ कोलैब कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर का एक पूरी दुनिया में अभियान चलता है कि हिंसा मुक्त जीवन कैसे हो, उसको लेकर के हम इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आज का जो थीम है कि एक चाय महिला सम्मान में, और इस ये पूरा जो 16 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस बार का मुद्दा हमारा ये है कि मानव अधिकार में कैसे महिलाओं की सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस आए और इसको सरकार इसके अंदर गत ले ताकि हर लड़की सुरक्षा अपनी कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर स्थान पे सुरक्षा बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सके, क्योंकि वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब एज अ एक मानव है तो ये तो उसका अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हर एक चीज़ आप कानून के अंतर्गत लेते हो, चाहे शिक्षा हो, आर्थिक स्वावलंबन हो, वैसे ही लड़कियों की सेल्फ डिफेंस भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। उसको लेकर के ये पूरा मुहिम चल रहा है। लाल ब्रिगेड की और क्या क्या मुहिम चलने वाली है? रेड ब्रिगेड हम लोग लगातार 2011 से काम कर रही है और इसका जो एक उद्देश्य है कि लड़कियां आत्मनिर्भर कैसे हों, लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कैसे आए और वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, तो उसको लेकर के समय समय पर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं और अभी हम लोगों का 16 दिवसीय ये चल रहा है और उसके बाद 29 नवंबर से हम लोग अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें महिलाएं कितना भागीदारी ले सकती हैं, इसके साथ साथ जब अभी एक तिहाई रिजर्वेशन की बात सरकार कर रही है तो उसके लिए तैयार कैसे हो सकती हैं, उसको लेकर के अभी हम अभियान चलाने वाले हैं। संविधान दिवस के मौके पर, जिस पर हम सभी को गर्व है क्योंकि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। सभी को इस संविधान का महत्व और भूमिका का ज्ञान है। इसी कड़ी में पूर्व न्यायाधीश और कांग्रेस नेता शमशाद अहमद ने संविधान दिवस पर अपनी महत्वपूर्ण राय दी है। शमशाद जी, संविधान दिवस है आज और इस मौके पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं जितने भी भारतवासी हैं सबको आज संविधान दिवस के इस पुनीत अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और ख़ास तौर से मैं इस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तो कहा जाता है कि इस दिन हमारा संविधान बना था, वो संविधान को आप कैसे देखते हैं? भारत का संविधान
दुनिया का एक अनोखा संविधान है। दुनिया के दिगर संविधानों से जो खास खास बातें चीज़ें खास खास चीज़ें थी उनको चुन चुन कर इकट्ठा कर कर भारतीय संविधान में आत्मसात किया गया और उन्हें एक माला की तरह प्रयोग गया। कहीं से कोई प्राविधान लिया गया, कहीं से कोई प्राविधान लिया गया। हमारा संविधान जो है बैक वक्त रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है और दोनों का एक बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल है, मिला जुला जो भी है। कभी ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, कभी रिजिड हो जाता है, कभी दोनों का एक बेहतरीन समिश्रण हो जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया के किसी भी कंट्री में इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है। और इसका जो मूल मंत्र है वो बराबरी है, बंधुता है, स्वतंत्रता है और एक मामूली से मामूली इंसान का वोट, उसकी जो वैल्यू है बड़े से बड़े आदमी के वोट की वैल्यू के बराबर है। आज हमारे भारतीय संविधान और माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक चपरासी को राष्ट्रपति के समतुल्य बना दिया। जहाँ तक दोनों की वोट के वैल्यू का सवाल है, जितना मूल एक समाज के आखिरी पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का है उतना ही मूल्य सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का है। इसको कहते हैं बराबरी। और इसके लिए मैं श्रेय दूंगा बाबा भीम राव अंबेडकर जी को, जिन्होंने इसको बनाने में बड़ी मेहनत किया, अथक प्रयास उनका रहा। बड़ी मेहनत के बाद ये जो संविधान उन्होंने जो ड्राफ्ट किया, जिसको हमारी संविधान सभा ने आज 26 नवंबर को आत्मसात किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ही ये प्राविधान छुपा हुआ है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, साहेबो बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जमहूरियत इस राज को एक मर्दे फिरंगी ने किया फाश, हर शख्स के दाना इसे तोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। वाह रे बाबा भीमराव अंबेडकर, क्या कॉन्सेप्ट दिया है साहब, क्या कॉन्सेप्ट दिया है। जब तक हिंदुस्तान कायम रहेगा तब तक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जीवित रहेगा। मैं ऐसे महापुरुष को पुनः शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नोएडा पुलिस पर देर रात गाजियाबाद में गांव वालों ने हमला कर दिया है। नोएडा पुलिस लूट चोरी का मोबाइल ट्रेस करते हुए मसूरी थाना क्षेत्र के मसौता गांव पहुंची थी। यहां रोडवेज के विवाद के बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट कर दी, गाड़ी में तोड़फोड़ तक की और पुलिसकर्मियों के पिस्टल तक छीन लिए। हमले में 4 पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 26/11/2023 को ग्राम मसौता थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद में थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट नोएडा की पुलिस 131 के संबंध में आई थी, जिसमें मसूता गांव में घुसने से पूर्व एक सक्रिय पुलिया थी, जिसमें गाड़ी निकालने को लेकर मसूता के कुछ ग्रामीणों के संग वाद विवाद शुरू हुआ। उन ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके से एक जो सरकारी पिस्टल भी गायब है। इस संबंध में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इसमें मूले चौहान सन ऑफ जितेंद्र, विशाल सन ऑफ जीते, अंकित सन ऑफ सतीश, रिंकू सन ऑफ नजरू, ये चार लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे, इन्होंने पुलिस से मारपीट की। इसके अलावा अन्य भी ग्रामीणों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में सेक्टर 63 की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और सुसंगत धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर कन्नौज से है, जहां एक बार फिर भाजपाई और पुलिस के बीच बवाल होने की नौबत आ गई है। आज भाजपा कार्यकर्ता को पीटने पर पार्टी नेता ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस और भाजपा नेता के बीच तीखी झड़प हो गई। ये पूरा मामला देर रात का है, जब चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सरकारी असलहे साथ सोते नजर आया। पुलिसकर्मियों का वीडियो एक भाजपा के कार्यकर्ता ने बना लिया, जिससे पुलिसकर्मी भड़क गया और उसका मोबाइल छीनकर भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के चलते अब पुलिस प्रशासन और भाजपा नेता आमने सामने आ गए। क्यों नहीं सर? भाई ऐसा है कि हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, बराबर फूलमती चौराहे पे मतलब आना जाना मेरा बराबर लगा रहता है, और दोनों लोग सो रहे थे सर, और उसमें से एक जो थे थोड़े एजेड थे, जो वो दारू पिए रखते थे। असले कहाँ थे उनके? असले सर कुर्सी पर रखे थे वो दोनों लोग। वीडियो आप मेरे पास है। तो सिर्फ ये सजा वीडियो बनाने की दी गई है? जी सर। मुकदमा भी हो गया आपके ऊपर? जी सर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।